हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ और आप देख रहे हैं नो एनी थिंग्स। नो एनी थिंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल सेट कर ले। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊँगा मैट्रिक पास प्रोत्साहन योजना के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स 2014 से 2020 तक मैट्रिक पास किए हैं और उसको प्रोत्साहन का 10,000 रुपया नहीं मिला है तो उसके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है एंड आपको ये पैसा कैसे मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, क्या करना होगा, पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखा देता हूं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर कटिंग है और 22 जनवरी 2022 का है, मतलब कि आज का सैटरडे का है। ओके, तो इस न्यूज़पेपर कटिंग में क्या कहा गया, आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएम प्रोत्साहन योजना से वंचित छात्रा को राशि जल्द। अब मैं आपको इस न्यूज़पेपर का कटिंग पूरा पढ़ के दिखा देता हूँ क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएम प्रोत्साहन योजना से वंचित छात्राओं को राशि जल्द, मतलब कि राशि जल्द मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है इसका डिस्क्रिप्शन, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बालक व बालिका प्रोत्साहन योजना से वंचित विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिविजन से पास करने के कई वर्ष बाद तक इस योजना का लाभ मिलने को लेकर नाउम्मीदी पाल ली थी, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिसको पैसा नहीं मिला था, उसको स्टूडेंट ने तो ये भी मान लिया था कि अब उसको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, शिक्षा विभाग उन्हें जल्द इस योजना के तहत मिलने वाली राशि उनके खाते में भेजने की तैयारी में है, मतलब कि शिक्षा विभाग ने इसका पैसा अब देने का पूरा तैयारी कर लिया है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 से पहले के इस योजना से वंचित 3,000 अधिक छात्राओं को सीएम प्रोत्साहन योजना की राशि देने की तैयारी चल रही है। ये सिर्फ पटना का है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, ये सिर्फ पटना का बताया गया है। कम से कम तो यहाँ पे लगभग 15,000 से 20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको अभी तक पैसा नहीं मिला है। ओके, तो इसके हिसाब से आपको भी पैसा मिल जाएगा। अगर आपका नाम होगा लिस्ट में तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, और आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा ही। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जानकारी के मुताबिक 2014-15 से लेकर 2018-19 के सत्रों में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं तक विभिन्न कारणों से मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की राशि नहीं पहुँच पाई थी, मतलब कि पैसा नहीं पहुँच पाया था। हालांकि लाभ नहीं मिल पाने से अधिक जिम्मेवारी संबंधित जिला शिक्षा प्रशासन की अधिक पाई गई है, मतलब कि इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं थी, इसमें जो भी गलती था वो शिक्षा विभाग का था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको घबराना नहीं, अब आपको पैसा मिल जाएगा। बहरहाल लाभ से वंचित विद्यार्थियों के लिए जिलों द्वारा लगातार मांग आ रहे थे, इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे आंकड़े को एकत्रित किया है। कुल 3,071 ऐसे छात्र छात्रा पाए गए हैं जिन्हें 2015 से 2019 के बीच मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ अब तक नहीं दिया जा सका है। इनमें से सामान्य बालिका 305 है, बीसी 2 है श्रेणी की है, ठीक है, बालिका 1274 है, जबकि सामान्य बालकों की संख्या 1492 है। ये विद्यार्थी 22 जिलों के हैं। इनमें से भभुआ, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, सारण, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, बांका, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय जिले शामिल हैं, मतलब कि इतने जिले के विद्यार्थी ऐसे हैं जिसको पेमेंट नहीं मिला। 10,000 रुपया जो मिलता था मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत वो उसका पैसा अभी तक इनको नहीं मिला है, इस जिले के स्टूडेंट को। इसमें यहाँ पर सिर्फ बताया गया इतना है, लेकिन अभी अगर इसका लिस्ट देखा जाएगा तो इसमें कम से कम 10,000 से 12,000 स्टूडेंट जाएगा जिसको पेमेंट नहीं मिला है। उसके बाद आपको क्या करना होगा वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं बैंक खाते का विवरण भेजने को कहा है। जिले की मांग पत्र को गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने सभी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाभ से वंचित छूटे बच्चों को बच्चिया का आधार, बैंक का नाम व खाता संख्या, आईएफएससी कोड आदि की सूचना एकत्रित करके रखें ताकि विभाग द्वारा आपके जिले की राशि आवंटित किए जा सके। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक एंड जो आपका 10th का मार्कशीट है उसे लेकर के आपको DEO ऑफिस जाना है। DEO स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मतलब कि शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी कहा जाता है उसको। तो उसके ऑफिस में जा कर के आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद वहाँ पे आपको पैसा जल्द से जल्द मिल जाएगा। उसके बाद आगे क्या कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप सभी डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे DEO ऑफिस में तो वहाँ से आपका पैसा बहुत जल्द आपके खाता में आ जाएगा, उनके खाते में DEO कार्यालय द्वारा राशि भेजी जा सके, मतलब कि जो भी पैसा भेजा जाएगा तो आपके डिस्ट्रिक्ट के DEO ही भेजेंगे। इसके साथ ही निदेशक ने इस राशि की प्राप्ति के लिए
सभी संबंधित जिलों में से उनके बैंक खाते का विवरण भेजने को कहा है। मतलब कि सभी DEO ऑफिस को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी करके कहा है कि आपको जल्द से जल्द अपने स्टूडेंट का, जो भी आपके जिले में स्टूडेंट्स है, उसका डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें और जो भी बैंक का डिटेल्स है वो हम तक भेजें, ताकि हम लोग पैसा जल्द से जल्द आपको दे सके। उसके बाद आप अपने जिले के स्टूडेंट को पैसा उसके अकाउंट में भेज सके। आप समझ लिए कि आपको क्या करना होगा। आपको इतना मेहनत तो करना ही होगा कि आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी DEO ऑफिसर है उसके पास जाएंगे। उसके पास जाने के बाद आप अपना डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये पैसा लगभग मार्च अप्रैल तक आने का संभावना है, तो इस बीच में कभी भी पैसा आ सकता है, क्योंकि आप लोग 2014 से इंतजार कर रहे हैं लेकिन आपको पैसा नहीं मिला। आप तो ये भूल भी गए थे कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार ने ये ऑर्डर दे दिया है कि अब जो भी स्टूडेंट बच गया था जिसको पैसा नहीं मिला था उसको भी पेमेंट मिल जाएगा। तो अब आप खुश हो जाइए, जिसको पैसा नहीं मिला था उसको भी पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल शेयर कर लें। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।